हम आपको बताएंगे। ओम प्रकाश राजभर के यहाँ खबर भेज दीजिएगा आप कि छड़ी क्या चेंज करते हैं राजभर जी, आप सुहेल देशो अभिमान पार्टी में आ जाइए, छड़ी चेंज करने से कहा आप दिला देंगे। छड़ी को लेकर के 22 वर्ष तक आपने संघर्ष किया, एक भी नेता आपने नहीं पैदा कर पाया। जब आप लड़ाई लेकर के आंदोलन लेकर के घर से निकले तो आप यही कहते थे कि सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी लोडर पैदा करने का काम करती है, हम लीडर पैदा करने का काम करेंगे। असली महाराजा सुहेल देव जी के वंशज हो, 22 बरिस से पार्टी चला रहे हो, एक भी लीडर अगर बना दिए हो तो बताओ छड़ी क्या चेंज करते हो, पार्टी चेंज कर दो, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी तुम्हारा स्वागत करेगी। इतनी भारी जीत आपने हासिल किया, कहीं ना कहीं साइकिल के साथ रहकर किसका श्रेय देंगे? ये तो आम जनमानस की जीत है। हम नेता तो एक वर्कर हैं, वर्कर के तौर पर हम लोग जा करके गांव गिराव इलाके क्षेत्र देहात में लोगों को हम लोग समझाने बताने बुझाने का काम करते हैं। बड़ी जो जीत हुई है ये बड़ी जीत जनता की हुई है। ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं हुकार भरा करते हैं, 2.5 लाख वोटों से मेरा बेटा जीतेगा। वो तो इसके पहले घोसी लोकसभा में, घोसी विधानसभा एक आता है उपचुनाव जहाँ हुआ था, वो तो गिनाते 1.5 लाख गिना दिए थे कि 1.5 लाख से जीतूंगा। और 22 में भाजपा का उम्मीदवार अकेले दम पर चुनाव लड़ करके, भाजपा के कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ करके 84,000 वोट पाया। आज जब NDA गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर चले गए तो भाजपा का उम्मीदवार 81,000 पा गए। वैसे बड़े बोल नेता की बात हम आपसे क्या करूं, जिसका राजनीति में कोई स्तर नहीं है, बिना स्तर का वो नेता है, स्तर विहीन नेता वो है। वो अपने परिवार के लिए, अपने बेटा और बेटी के लिए काम करता है। महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए और समाज के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। 27 में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अभी 27 बड़ा लंबा है सर, तैयारियां तो चल रही होंगी। हाँ तो 27 बड़ा लंबा है, हम तो कोशिश करेंगे कि 403 विधानसभा की सीट है, हम जहाँ रहें अपने अधिक से अधिक नेताओं को चुनाव लड़ा करके सदन तक पहुँचा दें, हम तो ये कोशिश कर रहा हूँ। हम गिनती आज क्या बताऊँ नेताजी, सवाल है कि यहाँ भी है कि OP राजभर के साथ 20 साल में एक बार भी हेलीकॉप्टर में नहीं घूमे, अखिलेश जी के साथ आते हेलीकॉप्टर में नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए महेंद्र राजभर के लिए हेलीकॉप्टर मोहताज नहीं है, 22 के चुनाव में महेंद्र राजभर कैंडिडेट नहीं बना, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 22 में अपने बूते 3 दिन हेलीकॉप्टर से मैं चला हूँ, अपने बूते चला हूँ। जो ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि महेंद्र राजभर हमारा कुर्ता पायजामा पहनता था, महेंद्र राजभर मेरा खाना खाता था, महेंद्र राजभर मेरी गाड़ी से चलता था, आज तो 20 महीना से चल रहा हूँ, समाज ही ने चलवा रहा है, समाज के ही बूते ने मैं चल रहा हूँ, समाज का ही बेटा मैं हूँ, कि खाली ओम प्रकाश राजभर है राजभर, मैं नहीं राजभर हूँ, मैं भी राजभर हूँ। समाज अगर ओम प्रकाश राजभर को उस ऊंचाई तक पहुँचा सकता है, और ऊंचाई तक पहुँच करके ओम प्रकाश राजभर समाज को ठगने का काम किया है, बेचने का काम किया है, सौदा करने का काम किया है, तो महेंद्र राजभर तो संकल्प लिया है कि सौदा करने का काम नहीं करेगा। काफी तादाद में लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? स्वागत है उन नेताओं का, हम तो जान ही रहा हूँ इस बात को, जब 22 में गठबंधन हुआ 17 सीट पाए ओम प्रकाश राजभर, एक भी कार्यकर्ता नज़र नहीं आया, आज अब कार्यकर्ता उनका हवा निकाल दिया 24 के चुनाव में, उनका और उनके बेटे का, तो आज छड़ी बदल रहे हैं, छड़ी का बदल रहे हो मेरे भाई, पार्टी बदल लो, जब विधायक बनने की ललका है तो विधायक बनते रहो। महेंद्र राजभर को ये नहीं है कि महेंद्र राजभर अपने लिए संघर्ष करने के लिए निकला, संघर्ष कर रहा हूँ कार्यकर्ताओं के लिए, और कार्यकर्ता लड़ेगा चुनाव, कार्यकर्ता के सम्मान पर कहीं से ठेस नहीं आएगा, और कार्यकर्ता को, कार्यकर्ता के बीच में कोई कितना ही बड़ा से बड़ा आदमी अगर बाधक बनेगा तो महेंद्र राजभर कार्यकर्ता के लिए सीना में गोली खा सकता है, लेकिन कार्यकर्ता का वो हेलना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज के कार्यक्रम को सफलता पे क्या कहेंगे? ये तो कार्यकर्ता उत्साहित हैं, इसी उत्साह को और बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रदेश की बैठक ऑर्गेनाइज कर दिया था, और प्रदेश की बैठक से और कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने उत्साह भरने का काम किया है कि आगे आने वाले पंचायत के चुनाव को आप ही के बीच से कार्यकर्ता लड़ेगा तो जीतेगा कैसे, इसके लिए आप धरातल पर अपना संगठन मजबूत करिए। कैसा बैठक है, क्या है इसका उद्देश्य? आज जो ये बैठक बुलाई गई थी, पार्टी की प्रदेश की बैठक थी,
विभिन्न जनपदों से नेता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के बाद हमने सोचा कि एक बार सबको उत्साहवर्धन सबका कर दिया जाए। नतीजा चूंकि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का जहां तक संगठन था, जहां तक नेता और कार्यकर्ता थे, वहां तक हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उम्मीदवार को चुनाव बड़े वोटों के अंतर से जिताने का हम लोगों ने काम किया था। इसी बात को लेकर के प्रदेश की बैठक बुलाई गई थी और प्रदेश के बैठक में सभी कार्यकर्ता और नेताओं को हम लोगों ने उत्साहित करने का काम किया। आपने कहा 2027 तक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को समाप्त कर देंगे। हम समाप्त थोड़े करेंगे महाराज, हम उनकी लकीर से अपनी लकीर को बड़ी कर देंगे, उनकी लकीर खुदे छोटी हो जाएगी, वो खुद नहीं दिखाई देंगे। बस 2027 को लेकर के संगठन हम लोग धरातल पर कैसे मजबूत करेंगे। पहले तो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव आ रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव पर हमने बताने का काम किया कि जिस कार्यकर्ता को जहां से भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ना हो वो अपने जिला पंचायत के सेक्टर में भरपूर तैयारी करने का काम करे, संगठन बनाने का काम करे, क्योंकि संगठन के बूते ही किसी भी लड़ाई को फतह किया जा सकता है। और जिला पंचायत का चुनाव कोई बहुत बड़ा कठिन चुनाव नहीं है, अगर कार्यकर्ता संकल्प लेकर के अगर अपने जिला पंचायत के वार्ड में काम करना शुरू कर दे कि मुझे 100% चुनाव जीतना है, तो मैं तो वो भी दिन देखा हूँ जो बिना पैसे का कार्यकर्ता संघर्ष करके चुनाव लड़ करके जीत करके जिले के सदन तक आया है। जैसे में हमारे यहाँ रतनपुरा ब्लॉक की दो सीट उत्तरी और दक्षिणी दोनों सीट गवाह, इस नाते हमने अपने कार्यकर्ताओं को बताया, राय दिया कि भाई आप धरातल पर अपना जितना अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर संगठन बनाओगे जीत के लिए उतना ही आपको आसान होगा।